Assalamu alaikum, I am Ms. Iram Zahra from KGLO. Students, hope you are all good. आज हम मेज़ फोनिक वर्कबुक करेंगे. मेज़ फोनिक वर्कबुक करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखनी है और इसमें हमने आर्ट का भी काम करना है. तो ऐसा नहीं करेंगे कि आप बस मेज़ का काम करके बंद कर दें. अब हमने इसके साथ आर्ट का काम भी करना होगा. सो ओपन पेज नंबर 43. आज हम पेज नंबर 43 करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डेट हियर 18/12 और वी विल राइट फ्राइडे. व्हाट आर द स्पेलिंग ऑफ फ्राइडे? एफ आर आई डी ए वाई, फ्राइडे. नाउ वी विल रीड द आइकन. रीड मैच. रीड मीन पढ़ेंगे और मैच मीन हम मिलाएंगे, मैचिंग करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब हम हेडिंग पढ़ लेते हैं. मैच द राइमिंग वर्ड्स. मैच द राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स की आज हम मैचिंग करेंगे, यानी राइमिंग वर्ड्स को मिलाएंगे. आपको पता है राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी सेम साउंड होती है, जिनके लास्ट टू लेटर्स सेम होंगे और फर्स्ट लेटर जो है वो डिफरेंट होगा, चेंज होगा. जैसे यहाँ पर राइट किया हुआ है र इब रिब, र इब रिब. अब हम यहाँ देखें, यहाँ पर उन्होंने डॉट से मैच किया हुआ है ब इब बिब. अब देखें यहाँ पर इब वर्ड है, ये लास्ट टू लेटर सेम है इब वर्ड, यहाँ पर भी इब वर्ड है लेकिन जो स्टार्टिंग लेटर है वो चेंज है. यहाँ पर बी है और यहाँ पर आर है. तो ओके, अब हम दोबारा से इसको रीड कर लेते हैं. र इब रिब, र इब रिब, ब इब बिब. नेक्स्ट हमारा वर्ड है ख इट खिड, ख इट खिड. अब यहाँ से हम ढूंढेंगे कि कहाँ पर कोई इड वर्ड है. यहाँ पर यस, यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पे है ल इट लिट. अब हम ख इट खिट को ल इट लिट से मैच कर देंगे, ऐसे ख इट खिट ल इट लिट. देखें सेम साउंड आ गई, खिट लिट. नेक्स्ट हमारा लास्ट है ब इक बिग, ब इक बिग. और अब हम यहाँ पर इसको मैच करेंगे ड इक डिग से. ब इक बिग को ड इक डिग से मैच करेंगे तो ये सेम राइमिंग वर्ड्स मैच हो जाएंगे. अब हम इसको दोबारा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं. र इब रिब, क इट खिट, ब इग बिग, ए इड लिट, ड इग डिग, ब इब बिब. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पोर्शन हम करेंगे. इसमें अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग पढ़ेंगे मैच द करेक्ट ऑब्जेक्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको दोबारा से रीड करते हैं. मैच विथ करेक्ट ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, यानी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं और यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं. अब हम इनको इनकी ऑब्जेक्ट्स के साथ मिलाएंगे, यानी इनकी पिक्चर के साथ मिला देंगे. पहला हमारा वर्ड है ब इब बिब और यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी बिब को बिब की पिक्चर के साथ मैच कर दिया है. आपने सिर्फ इसके ऊपर ट्रेसिंग करनी है. नेक्स्ट है हमारा ह इट हिड, ह इट हिड, ह इट हिड. अब हम ढूंढेंगे हिड मीन है छुपना. अब यहाँ पर देखें कौन छुपा हुआ है, यहाँ पर एक बॉय छुपा हुआ है और इसका थोड़ा सा बाल और इसके हेयर्स नज़र आ रहे हैं आपको. तो इसका मतलब है हम ह इट हिड को इस वाली तस्वीर से मिलाएंगे जहाँ पर बॉय छुपा हुआ है. अब आपने इसको खुद मैच करना है. नेक्स्ट है हमारा एग फिग, एग फिग. फिग को हम यहाँ पर ये फिग की पिक्चर से मिलाएंगे, यानी अंजीर. फिग हम किसे कहते हैं? अंजीर को. और हमने फिग को उस अंजीर की पिक्चर के साथ मैच कर देना है. ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा कि हमने कैसे काम करना है. सबसे पहले हमने राइमिंग वर्ड्स को मैच करना है और दूसरे पोर्शन में हमने
ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्ड्स को मैच करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने आर्ट के काम की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेट राइट करेंगे 18/12 CW एंड फ्राइडे FRIDAY फ्राइडे। ओके स्टूडेंट्स, ये अब आपको पता है कि ये वर्कशीट आपकी स्क्रैप बुक में पेस्ट हुई हुई है। तो सबसे पहले आप डेट राइट करेंगे, फिर CW राइट करेंगे और फिर डे राइट करेंगे। उसके बाद हम हेडिंग पढ़ेंगे ट्रेस एंड कलर द पिक्चर। तो अब हम सबसे पहले हम ट्रेसिंग करेंगे, यानी यहाँ पेंसिल फेरेंगे। आपको नज़र आ रहा है ना ये कौन सी पिक्चर है? ये एक फ़िश की पिक्चर है और फिश पानी में स्विम कर रही है। तो नीचे आपने यहाँ पर लाइंस पे ट्रेसिंग करनी है पेंसिल से और फिर इस पिक्चर में कलर करने हैं। फिश में भी कलर कर लें और यहाँ पर जो वाटर बना हुआ है उसमें भी आप कलर कर लें। ओके, अब आपने बहुत प्यारे से नीट नीट कलर करने हैं और अच्छा अच्छा काम टीचर को दिखाना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।